What's up guys, मैं हूँ आपका अपना आकाश अतनेकर। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग आए थे मुंबई से देवकुंड, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा ट्रैकिंग करके जाके बताऊंगा देवकुंड तक। तो आप मजे लो इस वीडियो के और देखो मॉर्निंग कितनी अच्छी है। तो ये रहे हमारे टेंट्स। तो हम लोग 5 बजे सोए रात के और उठ गए 7 बजे, मतलब सिर्फ 2 घंटा सोए। मैं तो सो गया था, बाकी लोग मतलब कुछ लोग तो सोए ही नहीं थे, बट मैं तो अपनी नींद पूरी किया हूँ। 2 घंटे की तो 2 घंटे की, बट नींद तो पूरी किया हूँ। तो ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, तो वही काम कर रहे जो रात को किया था। सब शूज़ निकाल के जा रहे वहाँ पे क्रॉस करने। एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे क्रॉस कर रहे थे रात में। शूज निकालना पड़ता है वहाँ से जाने के लिए, तो मैं भी क्रॉस कर लेता हूँ। अगर फ़ोन लेके करूँगा तो फ़ोन गिर जाएगा, मैं भी गिर जाऊँगा। अभी जो लोग धप्पा धप गिरे ना पानी में, क्या बताऊँ। तो मैंने शूज़ पे ही क्रॉस किया, साइड से जगह थी बट वो भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, बट मैं बच गया। चलो चलते आगे। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट देवकुंड पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो वे टू देवकुंड। हमारी बस खड़ी है वहाँ पे। एक्चुअली मुझे लगा था कि चल के जाना है, मतलब 10-15 मिनट है, बट 3 किलोमीटर था इसलिए हमें बस लेना पड़ा। तो अभी पहुँच तो चुके और सामने का व्यू इतना अमेजिंग है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अमेजिंग है। तो अभी यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए शायद जाना है, तो चलो चलते हैं। तो ये रहे हमारे सिपाही। पीछे का व्यू देखो कितना अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। ये लोग बेशरम लोग, मोमोज वाला लड़का। तू जा रहा क्या? ये देखो अमेजिंग व्यू, क्या लग रहा है ये पहाड़, क्या बोलता है कैसा लग रहा है? एक नंबर दिखा। ये हमारे मजदूर चल रहे तू भाई मजदूर में मजा आया। एक और एक अमेजिंग पहाड़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, तो क्या ही बोलू, इतने अमेजिंग पहाड़ है, बहुत ही अमेजिंग पहाड़ है। बस मेहनत जा रही है देवकुंड को जाने की। चाचा एंट्री मारी हीरो जैसी। एक और बेहतरीन नजारा, बहुत सही। तो शायद आ चुके, क्या बोलता, पहुंच गए क्या? अच्छा ब्रिज क्रॉस करना है और ब्रिज बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज, जगह देखो क्या सही है। तो ये रहा ब्रिज, देखो कुछ अलग ही है ब्रिज। ये रहा, तो सोचो जब यहाँ पे पानी आता होगा तब ये जगह कैसी लगती होगी। बहुत ही सही जगह लग रही है। ओह माय गॉड, ये ब्यूटीफुल। ये बढ़िया था गुरु। तो जो आपने ब्रिज देखा उस पे जाने का 10 रुपीज चार्ज लगता है, जो कि वो सामने जो है। वाह क्या सीन है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे से हमें वो व्यू मिल गया जो चाहिए। तो अभी हम चलते आगे।
मेरी हालत देख के आप पता लगा सकते हो कि कितनी मेहनत लग रही है चढ़ने में, कितने लोगों की विकेट गिर गई, मतलब कितने लोग तो ऐसे कि जिन्होंने बोला बस मैं यहीं तक जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता, बट फिर भी हम अपना पूरा ट्राई कर रहे और पहुँच के रहेंगे। यहाँ से चल के ऐसा फील हो रहा है कि अमेज़न के जंगलों में है। पहाड़ देखो कैसा स्ट्रेट कट है। तो फाइनली पहुंचने ही वाले, सामने ही है शायद, देखते कैसा व्यू रहता है। जगह तो ऐसी है कि पूछो ही मत। जगह देखो, फुल अमेज़न के जंगल। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो इतने मेहनत करने के बाद फाइनली ये रहा हमारे सामने देवकुंड का नज़ारा। बहुत ही सही लग रहा है। पहाड़ देखो कैसे कट है शेप में, और वहाँ से पानी गिर रहा है, और लोगों की तादाद देखो कितनी ज़्यादा है। और ये हमारे लोग, देवकुंड की जनता देखने आई है। बहुत सही जगह है, बहुत सही। तो ये रहा देवकुंड और ये रहे बंजारे, ये रहे। तो अब मैं भी जाता हूँ। बहुत ठंडा है पानी शायद से। बेटे वाह, बेटे मौज कर दी, वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम तो। रुको जरा, सबर करो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, पानी एकदम कुल्फी। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्या बताओ आपको कितना ठंडा पानी है। बहुत सही लग रहा है। तो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, जैसे कि आपको पता है सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में मिलते हैं, जिसमें हम करने वाले हैं बोटिंग। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।